चलिए। प्रियदर्शी मौर्या जी, गुड आफ्टरनून। प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून। अवधेन प्रियदर्शी जी, गुड आफ्टरनून। पल्लवी जी, गुड आफ्टरनून। सोनी सिंघानिया जी, गुड आफ्टरनून। चंद्रा जी, गुड आफ्टरनून। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, जितने लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, स्क्रीन दिख रही है, सभी लोग बताइएगा एक बार, दिख रही है चीजें? क्लियर दिख रही है? सोनाली ठाकुर जी, गुड आफ्टरनून, बताइएगा एक बार, दिख रही है सभी को स्क्रीन? क्लियर है अभी? नीतू जी, गुड आफ्टरनून आपको भी। ओके ठीक, चलिए। ओके ओके चलिए। तो कल जहां तक हम लोगों ने किया था उसके आगे हम लोग चलेंगे आज, है ना? जहां तक कल किया था उसके आगे आज चलेंगे, ठीक है? गुड आफ्टरनून सूरज जी, विभा जी आपको भी गुड आफ्टरनून। चलिए श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का, आगे का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसकी बात करने वाले, पोषण की बात करने वाले, ठीक है? किसकी बात करेंगे आज हम लोग? पोषण की, ठीक है? देखिए, पोषण, पोषण की जब हम लोग बात करते हैं तो पोषण क्या होता है? तो कहा जाता है कि पोषण जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का ग्रहण करता है। कोई भी जीव क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। जीवों के द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण का मतलब है कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, मतलब भोज्य पदार्थ का मतलब वैसी चीजें जो क्या है, अपने जो आपको एनर्जी दे, जो आपके जीवित रहने के लिए क्या है, जरूरी है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है? तो कह रहे हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या करते हैं, कोई जीव भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पोषण कहते हैं, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जनरली जीव जंतुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, जो कि हम लोगों ने देखा है कई बार, है ना? पंकज जी, पूजा जी, गुड आफ्टरनून आप लोगों को, दामिनी जी, संजीत जी, ठीक है? ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है पर पोषण। स्व पोषण जो होता है, पोषण का वह प्रकार होता है। स्व पोषण को ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं अंग्रेजी में, और पर पोषण को हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। स्व पोषण, पोषण का वह प्रकार होता है जिसमें जीव जंतु एवं पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जीव जंतु एवं पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं क्या कहलाता है? स्व पोषण कहलाता है। जबकि पर पोषण, पोषण का वह प्रकार होता है जिसमें जीव जंतु एवं पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, ठीक है? 25-26 लोग जुड़े हैं एक बार, जितने भी लोग जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दे सभी लोग, ठीक है? ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, न्यूरिशमेंट मतलब होता है पोषण। कुछ जीव जैसे जैसे अपना भोजन निर्माण कर निर्माण कह रहा है कि जैसे तैसे अपने यहाँ जैसे जैसे नहीं जैसे तैसे कुछ जीव जो होता है अपने भोजन का निर्माण क्या है, ग्लूकोज का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहलाता है, तथा यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है तो पेड़ पौधे। इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं? तो पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और यही चीज कहलाता है फोटोसिंथेसिस। अंग्रेजी में क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज, ग्लूकोज भोजन जो होता है ना, भोजन जिसको बनाते हैं वो ग्लूकोज ही होता है भोजन को। एलन मस्क, ओ वही है ट्विटर वाले, है ना? चलिए, चांदनी श्रीवास्तव जी, गुड आफ्टरनून। क्लियर नहीं है क्या? नहीं है पिक्चर, क्लियर नहीं है क्या? पिक्चर क्लियर नहीं है क्या? बताइए जरा, 360 पे क्लियर है, 360 पे देखिए जरा एक बार। एलन मस्क जी आप बताइए कहाँ से हैं आप, है ना? देखिए क्या होता है कि जो भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, 360 पे देखिए, सुना लीजिए एक बार, क्लियर है या नहीं? ठीक है, क्लियर है, 360 पे देखिए। चलिए देखिए, 6CO2 प्लस 6H2O ये क्या करते हैं कि, ओके क्लियर है, ठीक 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 ओके, कहते हैं कि कुछ पेड़, जो पेड़ पौधे होते हैं हरे पेड़ पौधे, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में की के साथ क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस क्या है, है ना, प्रक्रिया है।
240 पे भी दिख रहा है, देखिए कृष्ण मोहन जी आ गए, है ना। अब देखिए पर पोषण, देखिए पर पोषण जो होता है, पोषण का वह प्रकार होता है जिसमें भोजे जो इसमें जो जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं? खुद नहीं बनाते हैं। ऐसे जीव जिनमें हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे अपने भोजन का निर्माण ग्लूकोज स्वयं नहीं कर पाते, वो अपने भोजन का निर्माण यानी कि ग्लूकोज का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी जीव कहा जाता है। तथा वह प्रक्रिया परपोषी परपोषण तथा वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपोषण। तथा यह प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? परपोषण कहलाती है। ये जीव अपना भोजन कैसे करते हैं? तो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं तथा जीव जंतुओं, पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? तो मानव, मनुष्य, ठीक है, है ना। पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं तो जीव जंतु भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ अपना जी गुड आफ्टरनून, ठीक है आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, अब ये जो पोषण की प्रक्रिया होती है, ये पोषण जब हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया तो ठीक है उसमें क्या है, उसको पचाने की भी जरूरत है, ठीक है उसके पाचन की भी जरूरत है। तो पाचन की क्रिया के लिए क्या होती है? पूरी की पूरी एक पाचन तंत्र होती है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, उसकी बात करते हैं वो कैसे काम करता है। कह रहे ईबीएस में भी पूछता है पर पोषण स्वपोषण एक बार समझा दीजिए। ईबीएस में आप कौन से बैच से हैं? एलन मस्क जी, ईबीएस में तो मतलब इतना डीप समझा दिया हूं मैं, है ना। स्वपोषण का मतलब ही होता है कि खुद से भोजन बनाना, और पर पोषण का मतलब होता है कि अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है। चलिए सोनी कुमारी पारू गुड आफ्टरनून। देखिए तो मानस का पाचन तंत्र जो होता है वो कहता है कि कह रहा है कि मनुष्य का पाचन तंत्र, सॉरी क्या हो गया, कह रहा है कि मनुष्य का पाचन तंत्र है ना प्रमुख रूप से आहार नाल है, जिसको हम लोग ऑसोफेगस भी कहते हैं, आहार नाल है जो मुख्य रूप से गुदा द्वार तक फैली होती है, मतलब शुरू होती है मुंह से और लास्ट में एनस तक फैली होती है ना। प्लांट में अमरबेल, हाँ जी पर पोषण के लिए, ठीक है। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है मुख्य रूप से क्या है? वो आहार नाल है। आहार नाल पूरी की पूरी ऑसोफेगस जो है, फूड पाइप जो है ना, और ये कहाँ तक होती है? गुदा द्वार तक फैली होती है यानी कि एनस तक फैली होती है। मनुष्य के आहार नाल में निम्नवत, मनुष्य के आहार नाल जो होती है पूरी की पूरी, उसमें देखिए शुरू कहाँ से होती है? शुरू होती है वो मुख्य, मुख्य का मतलब जो है ये मुख है, ये एक्चुअली मुख नहीं है। वो कहाँ से शुरू होती है? मुख से, माउथ से, है ना। कहाँ से शुरू होती है? माउथ से। माउथ के बाद आती है ग्रहणी यानी कि फेरिनेक्स, उसके आगे चलिएगा तो आती है ग्रास नली ऑसोफेगस, और फिर आती है क्या? अमाशय, ठीक है। इसको थोड़ा समझाता हूं कि होता क्या है। ठीक है देखिए, जो मनुष्य हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं जनरली, वो हमारे भूख भोजन को हम लोग कहाँ से ग्रहण करते हैं? मुख से। मुख से जो ये भोजन है कहाँ पहुंच जाती है? वो जाती है ग्रसनी यानी कि फेरिनेक्स में, ठीक है, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद ये पहुंचती है ग्रास नली, मतलब फूड पाइप वाला जो पोजिशन है वहां पे, वहां से ये पहुंचती है अमाशय, अमाशय यानी कि स्टोमक में, जो कि हमारे पेट का लेफ्ट वाला भाग होता है यहाँ पे, ठीक है। अमाशय के बाद जो हमारी भोजन पहुंचती है वो पहुंचती है कहाँ पे? अमाशय के बाद, याद रखिएगा, अमाशय के बाद ये देखिए, इसको थोड़ा सा, ये जो चीज है ना इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए, ठीक है, ठीक है, इसको रीअरेंज कीजिएगा। अमाशय के बाद आप लोग लिखिएगा क्या? छोटी आंत। अमाशय के बाद क्या लिखिएगा? छोटी आंत। अमाशय के बाद कहाँ जाती है भोजन? छोटी आंत में। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाती है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद ये कहाँ जाती है? छोटी आंत के बाद ये जाती है बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद कहाँ जाती है? बड़ी आंत में, ठीक है, इस ठीक है। छोटी आंत और छोटी आंत के बाद कहाँ जाती है? बड़ी आंत। देखिए मुख, मुख से ग्रहणी, ग्रहणी से ग्रास नली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, और छोटी आंत से भोजन कहाँ पहुंचती है? हमारे बड़ी आंत में। जो छोटी आंत होती है, ये हमारी छोटी आंत है, इसके तीन भाग होते हैं, इस छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, तीनों का बस नाम याद रखिएगा। पहला है ग्रहणी,
पहला है आपको ग्रहणी, ये छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत तीन भागों में बटा होता है, छोटी आंत के तीन भाग, ठीक है, ग्रहणी, डियोडेनम, है ना। उसके बाद होता है मध्यांत्र, ये महगात नहीं है, मध्यांत्र, मध्य यांत्र, आंत से बना है, मध्यांत्र, ठीक है, मध्यांत्र, इसको जेजुनम कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जेजुनम, जे ई जे यू एन ए एम, है ना। मध्यांत्र को क्या कहा जाता है? जेजुनम कहा जाता है, है ना। और लास्ट में आपको शेषांत्र, है ना, क्या है? शेषांत्र, इसे इलम कहा जाता है ना, आई एल ई यू एम, आई एल ई यू एम, देखिए, ठीक है। ग्रहणी, छोटी आंत का, छोटी आंत के तीन भाग, छोटी आंत के तीन भाग, ग्रहणी, मध्यांत्र, आंत से ही आंत्र बना है, मध्यांत्र, और लास्ट में है शेषांत। ग्रहणी को डियोडेनम कहा जाता है, मध्यांत्र को, है ना, जेजुनम कहा जाता है, और जो शेषांत्र होता है इसे इलम कहा जाता है। यहां तक में कोई दिक्कत है बताइए तो एक बार, यहां तक में दिक्कत है तो बताइए एक बार, फिर इसके आगे चलेंगे, ठीक है। छोटी आंत, ये छोटी आंत के भाग है, ये जेजुनम को टियोनम लिख दिया गया है ना, छोटी आंत के तीन भाग, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत, ठीक है, चलिए, ओके। अब देखिए, अब बात करते हैं बड़ी आंत की, बड़ी आंत के भी तीन भाग, हाँ वो भी ग्रहणी ही है, ठीक है, वो भी ग्रहणी ही है, ये एक्चुअली नहीं, ये ग्रहणी को थोड़ा सा इसको ग्रसनी कर लीजिए तब ज्यादा सही हो, ये ग्रसनी है, ग्रसनी, अब ठीक है, ग्रसनी है वो, ठीक है, वो ग्रसनी है नाम उसको, ठीक है, ग्रसनी, इसको फेरिनेक्स कहा जाता है, ठीक है, ग्रसनी, थोड़ा सुधरवा लेना, ठीक है, वो ग्रसनी है, ये ग्रहणी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं बड़ी आंत की, जो बड़ी आंत है उसके भी तीन भाग, लार्ज है, एक होता है क्या, सीकम, सबसे पहला कौन सा आपका, सीकम, दूसरा कौन है, बृहदान्त्र, है ना, बृहदान्त, या इसका मतलब ही होता है बड़ी आंत, है ना, और मलाशय, ठीक है। बड़ी आंत के तीन भाग, सीकम, बृहदान्त्र और मलाशय, ठीक है। सीकम को सीकम ही कहा जाता है, बृहदान्त को कोलोन कहा जाता है, और मलाशय को रेक्टम कहा जाता है, ये तीनों सही है, ठीक है, रेक्टम कहा जाता है, है ना, रेक्टम कहा जाता है, नहीं ऑफलाइन तो क्लास नहीं चली है, बस है दो तीन लोग बैठे हुए, ठीक है, चलिए, हो गया। देखिए, तो हम लोगों ने ये देखा कि मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो इस तरह का होता है, मुख्य, ग्रसनी, सॉरी, है ना, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, उसके बाद छोटी आंत और देन बड़ी आंत। जो छोटी आंत है उसके तीन भाग होते हैं, ठीक है, वो छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत, डियोडेनम, जेजुनम और इलम। बड़ी आंत के तीन भाग, है ना, सीकम, बृहदान्त्र और मलाशय, ठीक है, शेषम, कोलोन और, है ना, रेक्टम। अब देखिए, एक एक करके आते हैं, मुख, अब बात कीजिएगा मुख की, तो आहार नाल का पहला अंग है, मनुष्य के आहार नाल का पहला अंग कौन है आपका, मुख है। मनुष्य के आहार नाल का पहला अंग जो है मुख है। मुख में क्या क्या होता है, तो दांत होता है, उसमें क्या होता है, जीवा होता है, ठीक है, दांत होता है, जीवा, दांत है, जीवा है, तालू है, ठीक है, और एक और याद रखिएगा, ये कपोल है, इसको लिखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग लिखिए, इसकी जगह पर लिखिए लार ग्रंथियां, तालू और क्या है, लार ग्रंथियां, तब ज्यादा क्लियर, ठीक है, क्या होती है, लार ग्रंथियां, दांत है ना, तालू है, जीवा है, और क्या है आपको, लार ग्रंथियां, ठीक है। ठीक है, जो मुख के ऊपर का भाग होता है वो होता है तालू। अब देखिए, दांत की बात करते हैं, दांत दो भागों से मिलकर बना होता है, इसके ऊपरी भाग को इनेमल कहते हैं, जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, दांत के ऊपरी भाग को हम लोग इनेमल कहते हैं, इनेमल कहा जाता है, ठीक है, यह सबसे कठोरतम भाग होता है ना। और इसकी कठोरता का कारण क्या है, तो इसकी कठोरता का काम कारण कह रहा है कि इसकी कठोरता का कारण क्या है, कैलोरी, क्लोरीन है, ठीक है, इसकी कठोरता का कारण क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, जबकि इसकी कठोरता का कारण क्लोरीन ना है, क्या है, इसकी कठोरता का कारण क्लोरीन ना है, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन है,
ठीक है। श्वेता जी, चांदनी जी, श्रुति कुमारी जी, गुड आफ्टरनून सर, आपको भी। रूपा जी गुड आफ्टरनून, ठाकुर प्रियंका जी गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, फ्लोरीन है। चलिए चलिए, अब देखिए दांत के अगर प्रकार की बात करें तो ईवीएस में भी बता रखा है मैंने कि दांत के जो होते हैं कितने प्रकार होते हैं, तो दांत के चेप चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं मानव शरीर में? चार प्रकार के दांत होते हैं। देखिए 37 लोग जुड़े हुए हैं, लाइक सिर्फ 20 लोग किए हैं। अरे लाइक तो कर दीजिए आप लोग वीडियो को, ठीक है। मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य के सिर्फ चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन? तो पहला है कृंतक, इंसीजर्स काटने वाले, रदनक कैनाइन, अग्रचर्वणक प्रोमोलर लिखा हुआ है प्रीमोलर, और चर्वणक यानी कि मोलर। चार प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। कृंतक, रदनक, प्रीमोलर और मोलर। साइड हो जाए, ऑलरेडी साइड है, ठीक है। चार प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। जो कृंतक की संख्या होती है, ये उनकी संख्या है, ये क्या दिखा रहा है उनको? संख्या है, ठीक है। कृंतक की जो संख्या होती है 8, 4+4, यानी कि कहने का मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे। जो रदनक की संख्या होती है ना, फारने वाले की, वो 4, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे, है ना। अग्रचर्वणक की संख्या क्या होती है? 8, और चर्वणक की संख्या क्या होती है? 12, ठीक है, यानी कि इतना, ठीक है। अग्रचर्वणक और चर्वणक, ठीक है। चलिए हो गया। देखिए इसमें कह रहा है कि मनुष्य के टोटल कितने दांत हो गए? तो 8, 4, 12, 8, 20 और 12, 32। 32 दांत हो गए, इनमें से 20 दांत जो होते हैं, इंसीजर, केनाइन और मोलर, जीवन में क्या होते हैं? 2 बार निकलते हैं, इसलिए इनको द्विबार दंती भी कहा जाता है, 2 बार निकलने वाले, या दूध के दांत कहा जाता है। जबकि 12 दांत जो होते हैं अग्रचर्वणक और चर्वणक के कुछ, ठीक है। जबकि 12 दांत जो होते हैं अग्रचर्वणक और चर्वणक, वो क्या होते हैं, है ना, जीवन में एक बार निकलता है, इसलिए उसे एक बार दंती यानी कि मोनोफाइकोडॉन कहा जाता है। एक बार निकलने वाले को की संख्या कितनी है? 12, और 2 बार निकलने वालों की संख्या कितनी है? 20, ठीक है। चर्वणक की अंतिम जोड़ी, चर्वणक की जो अंतिम जोड़ी होती है वो 18 से बढ़िया लिखिएगा 24 वर्ष के बाद, ये ज्यादा से, है ना, 24 वर्ष की आयु के बाद निकलता है ना, इसलिए इसे बुद्धि का दांत भी कहते हैं, और है ना, और अंग्रेजी में इसको विजडम टीथ कहा जाता है, और हम अपनी भाषा में इसे क्या कहते हैं? हम लोग अपनी भाषा में इसे अकिल चह कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिल चह। हो सकता है बहुत लोगों का अभी तक ना आया हो, विजडम, है ना, विजडम टीथ, ठीक है। किस नाम से आता है? विजडम टीथ, यानी कि बुद्धि का दांत, जिसको अकिल चह भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, है ना, अब देखिए बात करते हैं जीवा की, यानी कि जीव की। कह रहा है कि जीवा यानी कि जीव, यह क्या है? एक मांसल युक्त संरचना है। मांसल मतलब मांस वाली, जीव के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। हाँ जी, अकिल चह, ठीक है। जीवा क्या है? यह एक मांसल युक्त क्या है आपको? संरचना है, जो भोजन को निकलने, बोलने, भोजन को लार में मिलाने का क्या करती है? कार्य करती है। जीव हम लोग जानते हैं, जीव के भी क्या, देखिए ये क्या होते हैं, जीव के भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। जो स्वाद का क्या करती है हमें? ज्ञान। हमारे जीव में भी क्या होते हैं ना, 3 प्रकार की चीजें होती है जो क्या करती है आपको? ज्ञान कराती है। एक मिनट, ये ग्रहणी ग्रास नदी, इसका नाम कुछ है ना, लार ग्रंथियां, ठीक है। चलिए, 3 प्रकार की चीज होती है, 3 प्रकार के भाग होते हैं जो क्या करते हैं आपको, इसको टेस्ट बर्ड्स भी कहा जाता है। टेस्ट बर्ड वो क्या करते हैं? टेस्ट बर्ड ये क्या करते हैं? हमें स्वाद का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। स्वाद का क्या करते हैं? ज्ञान कराते हैं। इसमें कौन कौन से है? तो सबसे पहले पश्च भाग, सबसे पहले क्या होता है? पश्च भाग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एक होता है अग्र भाग, और तीसरा जो होता है वो होता है क्या? पार्श्व भाग। तीसरा क्या होता है? पार्श्व। क्या होता है? तीसरा जो होता है वो होता है पार्श्व भाग। ये जीव के क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं जो क्या करते हैं अपने, हमें और आपको, स्वाद का ज्ञान कराते हैं। क्या करते हैं ये? क्या करते हैं? स्वाद का ज्ञान कराते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर जीव का सेब बना है, कुछ खतरनाक बन सकता है, हो सके, है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है, उम्मीद करते हैं, है ना, सब लोग अपने निकालते होंगे तो ऐसा ही होता होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और इस तरह के, ठीक है, ये होता है 3 भाग को बांट दिया, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है, इसको कहा था पश्च भाग,
इसको क्या कहता है, पश्च भाग यानी कि पीछे भाग, ठीक है। इसको कहा जाता है ये वाला जो है आपका, ये दोनों, ठीक है, ये आपका पार्श्व भाग, ठीक है, और लास्ट वाला जो है ये आपका क्या, अग्र भाग, ये सबसे आगे का भाग है। इस प्रकार से पूरा का पूरा जीव जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है ना, तीन भागों में बटा हुआ है। सबसे आगे वाले भाग से, यहाँ वाले से आपको है ना, अग्र भाग से क्या होता है, मीठा एवं नमकीन, किसका पता चलता है आपको, मीठा और नमकीन। सबसे आगे वाले भाग से आपको किसका पता चलता है, मीठे और नमकीन, S3, अच्छा S3 है ना। इससे किसके पता चलता है आपको, खट्टे का। इससे आपको किससे पता चलता है, खट्टे का, और इससे किसका पता चलता है, कड़वा का, ठीक है। इस तीन तरह से तीन भाग में बटा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, पार्श्व भाग, पश्च भाग और ठीक है अग्र भाग, या यूं कहे कि पश्च भाग, पार्श्व भाग या अग्र भाग, तीन भाग में पूरा का पूरा जीव बटा हुआ है। अग्र भाग से हमें और आपको क्या होता है, मीठा और नमकीन का पता चलता है, जबकि पार्श्व भाग से आपको खट्टे का एहसास होता है, और अग्र भाग से क्या होता है, मीठा नमकीन, और सबसे लास्ट में पश्च भाग से क्या होता है, उससे आपको कड़वा का स्वाद पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे चले, तीखा मीठा खट्टा नमकीन कहाँ गया, है ना। चलिए अब देखिए, ये हो गया, ओके, बताइए बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अमाशय की, स्टोमेक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टोमेक, है ना, किसकी बात करते हैं, स्टोमेक की बात करते हैं, ठीक। देखिए स्टोमेक, स्टोमेक कितने प्रकार का होता है, स्टोमेक क्या होता है समझिए, तो यह आहार नाल का प्रमुख अंग है, यह क्या है, आहार नाल का प्रमुख अंग है, ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है पेट में, यह आहार नाल का प्रमुख अंग है, जिसमें प्रोटीन का है ना, प्रोटीन का क्या होता है, सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम, देखिए प्रोटीन को कौन कौन से एंजाइम पचाते हैं, तो प्रोटीन को पेप्सिन व रेनिन, है ना, पेप्सिन को पचाने वाले, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन एवं रेनिन क्या है, पाया जाता है। यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, गठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जठर ग्रंथि यानी कि क्या कहते हैं, है ना, जो क्या होता है, इसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। देखिए प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन, ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन की सहायता से पॉलीपेप्टाइड और पेप्टॉन्स में होता है, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टॉन्स में होता है, जबकि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन को किस नाम से जाना है, कैसीन के नाम से, है ना, और यह रेनिन, है ना, ये जो है आपको, ये रेनिन जो है उस कारण से कैल्शियम पारा कैसीनेट में बदल जाता है, जो कि कर्ड यानी कि दही में पाया जाता है। दूध के पाचन से ज्यादा आसान किसका पाचन होता है, दही का, है ना। चलिए गैस्ट्रिक रिलीज HCl म्यूकस, है ना, हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, क्या सेक्रेट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही, इसी ठीक है, ये कर सकते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है यहीं से क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होती है, जो कि ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, है ना, और इसको प्रोटेक्ट कौन करती है, तो लाइनिंग जैसी संरचनाएं होती है, इसमें क्या होती है, लाइनिंग जैसी संरचनाएं होती है, जिसको म्यूकस कहा जाता है, म्यूकस, है ना, म्यूकस क्या करती है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है उसको प्रोटेक्ट करती है, कि वह शरीर के दूसरे भाग पे जाके उस भाग को प्रभावित ना करे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है कि जिस भाग पे जाएगी, जिस भाग को टच करेगी, उस भाग को क्या करती है, गलाने का, वहां पे घाव करने का कार्य कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए क्या होती है, तो पेट के अंदर ही लाइनिंग जैसी संरचना होती है, इसको क्या कहता है, म्यूकस कहा जाता है। चलिए अब देखिए बात करते हैं छोटी आंत, छोटी आंत के बारे में आप लोग को बार बार बताते आते हैं कि छोटी आंत का सिर्फ नाम ही क्या होता है, छोटी आंत, छोटी आंत एक्चुअल में छोटी होती नहीं है, ठीक है, छोटी नहीं होती है, ये पतली हो सकती है, कहिएगा कि इसकी नलिया कैसी होती है, पतली होती है, पतली होती है, लेकिन छोटी नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा, छोटी आंत कैसी होती है, तो पतली होती है, लेकिन उसकी लंबाई वाकई में क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। देखिए कह रहा है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, हमारे और आपके भोजन का सर्वाधिक जो पाचन होता है वो कहाँ होता है ना, तो वो होता है
छोटी आंत में है ना, छोटी आंत के भी कौन से भाग, तो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, ग्रहणी में होता है, क्योंकि यहाँ पे अग्नाशय रस और पीत रस पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है है ना अग्नाशय रस और पीत रस, पीत रस ये यही है बाइल जूस, पीत रस वही है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पीत रस, नहीं नहीं पीत रस अलग है, जठर रस अलग है ना। पीत रस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बाइल जूस। ये कहां से निकलती है, तो यह यकृत से निकलती है, कहां से, यकृत से श्रावित होती है, यकृत मतलब लीवर, ठीक है, लीवर से, यह कहां से श्रावित होती है, तो यह लीवर से श्रावित होती है, लीवर से। पीत रस कहां से आती है, लीवर से आती है, इससे बराबर सवाल पूछता है, हाँ डेढ़ ठीक है, सी से, ठीक है। देखिए ये कहां से श्रावित होती है, तो लीवर से श्रावित होती है, और ये जो होती है स्टोर कहां पे होती है, तो यह पित्ताशय, यह पित्ताशय में क्या होती है, संग्रहित होती है, संग्रहित होती है, यानी कि गॉल चलिए ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं कि पीत रस श्रावित होता है, पीत रस के बारे में मैंने बताया कि पीत रस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, या पीले कलर का होता है, लीवर यानी कि यकृत के द्वारा क्या होता है, या श्रावित होता है, और पित्ताशय में संग्रहित होता है, कहां जाके संग्रहित होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है, और यह किसके पाचन में सहायता करता है, तो याद रखिएगा बाइल जूस जो होता है वह फैट के, किसके पाचन में सहायता करता है, फैट के यानी कि वसा के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। अगर किसी व्यक्ति का पित्ताशय हटा दिया गया, गॉल ब्लैडर काट के हटा दिया गया किसी कारण से, तो क्या होता है, डॉक्टर उन्हें क्या सलाह देते हैं कि ज्यादा फैटी चीजें न खाए, क्योंकि उनको फैट को पचाने के लिए जो बाइल जूस की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, वो स्टोर नहीं हो पाता है उनके शरीर में बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उनको फिर फैटी चीजें खाने से मना किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि अग्नाशय रस में भोजन को पचाने के समस्त एंजाइम होते हैं, जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज आदि। एमाइलेज क्या करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, तो है ना प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज क्या करता है, तो है ना वो फैट का पाचन करता है, ठीक है। चले आगे, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है हर बार, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। पीत रस से आता है, गॉल ब्लैडर हटा दिया गया तो फिर क्या सलाह दी जाती है, इस तरह की चीजें, इसको करिए एक बार, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिए। आता है सर, चलिए आगे चले, बताइए एक बार, आगे चले, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ वही कि पीत रस का निर्माण यकृत में होता है, या अघुलनशील वसा को घुलनशील वसा में परिवर्तित करता है, जिसे वसा का पाशीकरण, पाश्चराइजेशन होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ केवल क्या होता है, अपचित भोज्य पदार्थों का उत्सर्जन होता है। भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, मुख मतलब वो है मुंह, है ना, मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि लार में टाइनिन एंजाइम है ना पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं विटामिन, विटामिन की खोज किसने की थी, तो एंजे ल्यूमिन ने की थी। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, तो फ्रंक ने। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन, जल में घुलनशील विटामिन, है ना, एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलने वाले विटामिन, और दूसरे होते हैं वसा में, जल में घुलने वाले विटामिन को है बी कॉम्प्लेक्स, या यू आप सीधे याद रखिए कि बी और सी, और वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन है, तो वसा में घुलने वाले विटामिन है ए डी ई के, डी ई के डे का याद कीजिए, या फिर आपको इसको केडा याद कीजिए, जैसे याद करना चाहते हैं कर लीजिए। ये क्या है, वसा में घुलने वाले हैं,
और जल में घुलने वाले कौन है, बी और सी। डायरेक्ट सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन है, और निम्नलिखित में से कौन कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, हाँ जी केडा। इधर देखिए, अब कुछ विटामिन का नाम लिखा गया है, विटामिन से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होती है ना, विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी। विटामिन डी की कमी से है ना, रिकेटस होती है। विटामिन ए की बगल में जो रेटिनॉल लिखा है उनका रासायनिक नाम लिखा है, याद रखिएगा। क्या क्या लिखा है, तो रासायनिक नाम लिखी हुई है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से आता है, और इसे क्या होती है, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन डी की कमी से है ना, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है ना, और यह एक नेचुरल विटामिन है, इसे रिकेट्स होता है। विटामिन ई को टोकेफेरॉल कहा जाता है, इसे नपुंसकता होता है। विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के को, ठीक है, ये देखिए विटामिन ई जो है यह क्या है, विटामिन ई, ठीक है, इसी को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसी को क्या कहता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, यह क्या करता है, नपुंसकता। और विटामिन ई के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो स्प्राउट फूड्स है ना, अंकुरित जो भी होते हैं भोज पदार्थ, वो विटामिन ई के स्रोत होते हैं। विटामिन के, विटामिन के देखिए, विटामिन के को मेनाडिनोन के डियोन के नाम से आता है। यह क्या करता है, रुधिर का थक्का नहीं जमने देता, यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग का नहीं होने देता है। अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी है तो मतलब क्या होगा कि उसके शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, जब भी कटेगा कुछ हाथ पैर तो ब्लड बहता चला जाएगा। ठीक है, ये विटामिन ए डी ई के की बात थी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, विटामिन सी। ऊपर वाले जो चारों विटामिन है वो कौन है, वसा में घुलनशील। अब जल में घुलनशील विटामिन देखिए, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसे स्कॉर्बी बीमारी होती है। विटामिन बी, अब विटामिन बी भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले विटामिन बी वन, इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसे क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी वन से विटामिन बी, देखिए बेरी बेरी जो होता है वो कौन से विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन बी वन के कारण होता है। ठीक है, विटामिन बी वन के कारण, ठीक है, विटामिन बी वन के कारण। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलेग्रा। ठीक है, और विटामिन बी ट्वेल्व से कौन सी रोग होता है, तो याद रखिएगा कि अनिमिया, यानी कि रक्त के है ना कमी, यानी कि रक्तहीनता। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर तथा मेरास्मस रोग होता है। इसी प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आप लोग को याद होगा कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या होता है, घेंघा रोग होता है। लोहा की कमी से यानी कि आयरन की कमी से क्या होता है, तो अनिमिया होता है ना, क्या होता है, अनिमिया होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो हड्डियां है ना, हड्डियां क्या होती है, वीक होती है ना, क्या होती है ना, बोन्स जो होती है हमारी वीक हो जाती है। हाँ जी घेंघा, हाँ जी घेंघा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं मनुष्य के श्वसन तंत्र की। ठीक है, जो श्वसन तंत्र जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी। देखिए श्वसन तंत्र के बारे में बात करें, श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेटरी, मतलब कल भी हमने बात किया था श्वसन के बारे में। रेस्पिरेशन का मतलब, श्वसन तंत्र का मतलब है सिर्फ सांस लेने और सांस छोड़ने वाला तंत्र नहीं है। जब बात की जाती है किसकी, श्वसन तंत्र को, तो श्वसन तंत्र का मतलब सिर्फ सांस लेने और सांस छोड़ने वाला तंत्र नहीं है, बल्कि श्वसन तंत्र का मतलब ऐसा होता है कि वो अंग जो क्या करते हैं, जो भोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, डाइजेस्ट कराते हैं, पाचन कराते हैं, और उसे क्या करते हैं, ऊर्जा है ना शरीर को प्रदान करते हैं। वह प्रक्रिया जिसकी सहायता पचे हुए भोज्य पदार्थ ग्लूकोज से क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन का मतलब सांस लेना सांस छोड़ना नहीं है, बल्कि पचे हुए भोजन से क्या करना है, ऊर्जा प्राप्त करना है। मनुष्य के निम्नवत श्वसनांग, श्वसन अंग कौन कौन से देखिए, तो नास द्वार, नॉस्ट्रिल है, नास ग्रहणी है ना, नजी फेरिनेक्स है, कंठ है, लारिनेक्स है, श्वसनी ट्रैकिया है, फेफड़ा है ना, ब्रोंकी, ब्रोंकी को और कुछ कहा जाता है, ब्रोंकी को फेफड़ा ही लिख दिया है, रुकिए एक मिनट, ब्रोंकी को कुछ और कहा जाता है, नास क्या कहा जाता है, ब्रोंकी को बताइए जरा, ब्रोंकी को और क्या कहा जाता है, नहीं बताइएगा। हाँ, श्वसनी होता है। ठीक है, श्वसनी जो होता है ना
वो ब्रोंकी देखिए, सबसे पहले होता है नॉस्ट्रिल, नास द्वार का मतलब होता है नॉस्ट्रिल, ठीक है। उसके बाद नास रानी यानी कि नोसोफेरिनेक्स, फिर होता है आपका कंठ यानी कि लैरिनेक्स, उसके बाद है आपका है ना वायुनली, उसके बाद आता है इसके कंठ के बाद आपको आता है क्या, कंठ के बाद आता है वायुनली, ठीक है, विंड पाइप। कंठ के बाद जो हमारा आता है, कंठ के बाद अगला जो है वो क्या है, वायुनली, वायुनली, ठीक है। इसको क्या कहता है, विंड पाइप। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहता है विंड पाइप, इसको कहता है विंड पाइप। फिर आता है आपको क्या, श्वसनी, श्वसनी को कहा जाता है ब्रोंकी, श्वसनी को क्या कहता है, ब्रोंकी, श्वसनी को क्या कहता है, ब्रोंकी, ठीक है, श्वसनी को क्या कहता है, ब्रोंकी। फिर आता है आपका फेफड़ा यानी कि लंग्स, और फिर आता है आपका क्या, डायफ्राम, ठीक है, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, डायफ्राम। ये क्या है, तो मुख्य क्या है, श्वसन अंग है, मुख्य श्वसन अंग है मनुष्य के, क्या है, मुख्य श्वसन अंग है, जिसमें से कंठ, कंठ जो है वह श्वसन अंग है, या श्वसन अंग का ऐसा अंग है जो क्या करता है, ध्वनि, देखिए धसनी नहीं है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ध्वनि का क्या करता है, निर्माण करता है, इसलिए इसे ध्वनि या स्वर यंत्र भी कहते हैं। पुरुषों में यह बड़ा होता है कंठ, क्योंकि इसमें पुरुषों की आवाज क्या होती है, मोटी, पुरुषों की आवाज मोटी है यानी कि उसका तारत्व क्या होगा, कम होगा। फिजिक्स का सवाल देखिए, बायोलॉजी में फिजिक्स आ गया, यानी कि तारत्व क्या है, अगर निम्न है तो आवाज कैसी होगी, मोटी। तारत्व क्या है, निम्न है तो आवाज मोटी, और तारत्व क्या है, उच्च है तो आवाज कैसी होगी, पतली। जबकि महिलाओं में यह, महिलाओं में यह क्या होता है ना, छोटी होती है, महिलाओं में क्या होती है, महिलाओं में यह छोटी होती है, ठीक है, इसलिए उनकी आवाज क्या होती है, महीन या उच्च तारत्व की होती है। हमारे शरीर में है ना दो फेफड़े होते हैं जो पांच खंडों में बटा होता है, जो हमारे शरीर में कितने फेफड़े होते हैं, दो लंग्स होते हैं जो कि पांच खंडों में बटा होता है, दाहिने फेफड़े के तीन खंड और बाएं फेफड़े के दो खंड, ठीक है। दो फेफड़े हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, जानते होंगे ना, कभी जनरली लंग्स जब फेल होता है तो सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है, डायलिसिस का प्रोसेस चलता है, डायलिसिस पर रखा जाता है, ठीक है। तो दाहिने वाले का तीन खंड होता है, बाएं वाले का दो खंड होता है। फेफड़े में लगभग 300 मिलियन वायु कोष्ठ होते हैं, जिसे फेफड़े की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। फेफड़े में ऑक्सीजन आरबीसी की सहायता है, देखिए आरबीसी, आरबीसी यानी कि क्या, रेड ब्लड कॉर्पल्स, आरबीसी क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को है ना शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं। कह रहा है कि फेफड़े में ऑक्सीजन आरबीसी की सहायता से ब्लड क्या करता है, खून को संपूर्ण, खून को क्या करता है ना, खून को संपूर्ण शरीर, खून को संपूर्ण शरीर में परिसंचरित करता है, कहां, पूरे शरीर में भेजता है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या एक से कोशिकीय जो जीव जंतु होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इन सब में जो श्वसन जो होता है वो गैसीय विनिमय यानी कि बॉडी फॉर है ना सरफेस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो उनके बॉडी के द्वारा ही, उनमें श्वसन अंग अलग से नहीं होता है, ये श्वसन कैसे करते हैं, तो अपने बॉडी सरफेस के द्वारा ही कर लेते हैं। जबकि केचुआ में जो होता है ना श्वसन कैसे होता है, तो नम त्वचा द्वारा होता है, यानी कि जो उनकी जो त्वचा होती है गीली त्वचा, नमी वाली, उसी से हो जाता है। मछली तथा टैटपोल में श्वसन गलफरों के द्वारा होता है, जिसको गिल्स कहा जाता है ना, और कीट वर्ग तेलचट्टा में श्वसन जो होता है वायुनली यानी कि ट्रैकिया के द्वारा होता है। यहीं पे आप ऐड कर लीजिएगा, यहीं पे आप ऐड कर लीजिएगा कि मेंढक में श्वसन कैसे होता है, तो मेंढक जो श्वसन करता है वो कैसे करता है, तो फेफड़ा या फिर फेफड़ा और त्वचा से। देखिए मेंढक दो तरीके से करता है, मेंढक जो है वो दो तरीके से, फेफड़ों से भी, जब वह कहाँ है, जब वो जमीन पर रहता है तो वह फेफड़े से श्वसन करता है, जबकि वह कहाँ होता है, पानी में होता है, तो त्वचा से। उसी में अब चाहे तो आप लोग ऐड कर सकते हैं कि जो वेल, ब्लू वेल, ब्लू वेल और जो डॉल्फिन होते हैं, ब्लू वेल या फिर क्या है आपको डॉल्फिन है, ये कैसे सांस लेते हैं, तो ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। वो कैसे सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं, तो फेफड़ों से सांस लेते हैं, ठीक है, फेफड़ों से सांस लेते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए हो गया। अब देखिए श्वसन की जब हम लोग बात करते हैं तो कल भी मैंने बताया था आप लोग को कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन को ये तो श्वसन संबंधित रोग है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान जाते हैं कि श्वसन जो होता है, ठीक है, जो श्वसन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, श्वसन कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के। पहला कौन हो सकता है एरोबिक, एरोबिक यानी कि वायवीय, ठीक है, क्या होता है वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है एनारोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक यानी कि अवायवीय, दूसरा क्या होता है एनारोबिक यानी कि क्या होता है अवायवीय। वायवीय श्वसन क्या होता है देखिए, तो वायवीय श्वसन वो श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना, और अवायवीय श्वसन जो होता है वो कैसे होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हम लोग जो श्वसन करते हैं जनरली वो क्या होता है वायवीय श्वसन होता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम लोग श्वसन नहीं करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने भोजन का डाइजेस्ट कराना क्या कहता है वायवीय श्वसन कहलाता है, और इसी में क्या होता है भोजन डाइजेस्ट होकर क्या करता है एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि श्वसन संबंधी कुछ रोग है और किस बैक्टीरिया के कारण होता है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस है ना, माइकोबैक्टीरियम यानी ट्यूब के कारण होता है। ठीक है, निमोनिया जो होता है डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है, डिप्थीरिया जो होता है कैरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए अब होता है कि परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि जो ट्रांसपिरेटरी सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखिए कि इसका प्रमुख कार्य क्या होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है ना, पोषक पदार्थ तथा उत्सर्जी पदार्थों का क्या करना संवहन करना, हार्मोन का संवहन करना है ना, हाइड्रोजन क्लोरीन और H2O का क्या करना संवहन करना, इनका मुख्य काम क्या होता है चीजों का संवहन करना ही होता है। किसका परिसंचरण तंत्र का, परिसंचरण तंत्र के भाग कौन कौन है तो देखिए परिसंचरण तंत्र के निम्नलिखित अंग है, सबसे पहला अंग है रुधिर, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ते हैं, जब तक ब्लड का क्या होता है ट्रांसफर होते रहता है ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तभी तक हमारे शरीर के जो अंग है वो क्या होते हैं कार्य करते रहते हैं। जैसे ही ब्लड का ट्रांसफर बंद होता है वो नहीं रुक जाता है। हृदय है, हार्ट है, धमनी आर्टरी है, सीरा वेन है, और लासिका यानी कि लिप है। रुधिर देखिए ब्लड, ब्लड के कारण ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। ठीक है, रुधिर देखिए ब्लड, रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तरल मतलब फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल मतलब होता है जो क्या हो जो गाढ़ा ज्यादा गाढ़ा होता है, पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है तरल, जैसे कि जनरली तेल वगैरह ग्रीस वगैरह होते हैं तरल होते हैं। इसका पीएच मान 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय होता है, इसका रंग लाल होता है क्योंकि इसमें श्वसनीय पदार्थ होमोग्लोबिन पाया जाता है ना। होमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या कहा जाता है तो होमोग्लोबिन जो वही कमल डंडी या कमल ककड़ी जो होता है ना का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्वस्थ पुरुष के रुधिर का अनुपात लगभग 5 से 6 लीटर होता है जबकि महिला में 4 से 5 लीटर होता है। रुधिर का आयतन मनुष्य के भार का 7 से 8% तक होता है। ठीक है, देखिए जो रुधिर है वो दो तरीके से होता है, मतलब रुधिर को देखिए रक्त प्लाज्मा और रुधिर कणिका है। पूरे ब्लड में क्या होता है एक तो होता है रक्त प्लाज्मा और रुधिर कणिका, रक्त प्लाज्मा ब्लड, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कणिका है। इसमें रक्त प्लाज्मा जो होता है ठीक है वो एक अलग भाग है, दूसरा पार्ट है कौन सा रुधिर कणिका। ठीक है, रुधिर कणिकाओं को फिर कितने भाग में बांट दिया जाता है, 3 भाग में, कौन कौन आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी क्या करते हैं तो आरबीसी जो होता है वो देखिए बेसिकली क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का सम्मान करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, प्रतिरक्षा करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है शोल्डर ऑफ द सेल भी कहा जाता है ना। हाँ, श्वेत रक्तकण क्या डब्ल्यूबीसी, यही श्वेत रक्तकण क्या है। ठीक है, ये क्या करती है ये शरीर को प्रतिरक्षा करती है, शरीर को रक्षा प्रदान करती है ना। और तीसरा कह रहा है आपको ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम करता है तो रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है, रक्त को क्या करता है थक्का जमाने का कार्य करता है। कह रहा है कि आरबीसी उभयचरों की, आरबीसी उभयचर समझते हैं ना, पानी और स्थल दोनों जगह पर आने वाले, जल और थल दोनों जगह पर आने वाले जो उभयचर होते हैं उनका
आरबीसी सबसे बड़े आकार का होता है, जबकि स्तनधारियों की आरबीसीज क्या होती है, छोटे आकार की होती है। मनुष्य की आरबीसीज में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं पाया जाता। देखिए मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या 50 से 50 लाख घन मिलीलीटर तक होती है, जबकि महिला में 45 से 50 लाख घन मिलीमीटर तक होती है, घन मिलीलीटर होगा, ठीक है। या एक वह अंश जिसकी सहायता से आरबीसी की गणना की जाती है उसको क्या कहते हैं, हीमोसाइटोमीटर कहते हैं, हीमोसाइटोमीटर। मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, जबकि उभयचरों के आरबीसी का जीवन काल 80 से 100 दिनों तक होता है, है ना। डब्ल्यूबीसी नीचे है, है ना, व्हाइट ब्लड से श्वेत रक्त कण क्या, है ना, है ना। अब देखिए डब्ल्यूबीसी, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण हमारे शरीर को एलर्जी, इन्फेक्शन तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है तथा इसकी संख्या क्या है, 10,000 पल मिली लीटर तक, मिली लीटर होना चाहिए, मिलीमीटर लिखा जाता है, इसमें मिली लीटर होना चाहिए, मिली लीटर तक होती है। आरबीसी और डब्ल्यूसीजी का बीसी का अनुपात कितना है, 600:1 होता है, यानी कि आरबीसी ज्यादा होते हैं शरीर में, जो 40 से 45 लाख था ऊपर, है ना, ठीक है। कभी कभी डब्ल्यूबीसी की संख्या अचानक से बढ़ने लगती है तो इससे क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर का कारण ही क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ जाना, ठीक है। चलिए अब देखिए प्लेटलेट्स, इसमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, जो रुधिर का थक्का बनने में सहायक होता है। इसकी संख्या क्या होती है, 2 से 3 लाख प्रति मिली लीटर होती है, जबकि इसका जीवन काल क्या होता है, 7 से 8 दिन का होता है, जीवन से काल 7 से 8 दिन का। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथाम्बिन और थाइब्रोलाज के साथ मिलकर 2 से 3 से 8 मिनट तक रुधिर का क्या करता है, थक्का बना देता है। इस क्रिया में कैल्शियम तथा विटामिन के की क्या होती है, सहायता करते हैं। इस क्रिया में जो कैल्शियम है और विटामिन के क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है, ठीक है, रक्त के थक्का जमने में सहायता करता है। दूसरा परिसंचरण तंत्र का जो भाग है वो हृदय, हार्ट। हार्ट के अध्ययन को क्या कहता है, कार्डियोलॉजी, और उसके जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या कहता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। मनुष्य का हृदय हृदय पेशियों से बना होता है, कार्डियक मसल्स कहते हैं। जो हृदय जो होता है वो क्या होता है, हृदय पेशियों, हृदय हृदय पेशियों से, जिसको कार्डियक है ना मसल, कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है, जो जीवन भर बिना रुके बिना थके संचालित तथा स्थिर होता रहता है, मतलब चलता रहता है। हृदय के संकुचन को सिस्टोल तथा सिसलन को डायस्टोल कहते हैं, है ना। संकुचन मतलब वो क्या होता है, जब सांस लेते हैं तो वो है ना धड़कता है ना, बार बार धड़कता रहता है, तो उसी को कहते हैं। जब वो सिकुड़ता है तो उसको सिस्टोल, ठीक है, और जब फैलता है तो उसको क्या होता है, डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। जब हृदय स्थिर होता है तो रुधिर हृदय से आंत में प्रवेश करता है, तथा जब हृदय संकुचित होता है तो रुधिर क्या होता है, हृदय से है ना बाहर निकलता है। देखिए इसमें एक होता क्या है, पहले समझते हैं, इसको समझाते हैं, होता क्या है ना, पूरा हार्ट जो होता है, मानव जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, उसके 4 चैम्बर होते हैं। कितने भागों में बटा होता है, वो 4 भागों में, ठीक है। जो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 भागों में, इसमें क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, है ना, 4 भाग में बटे होते हैं, है ना। स्थलित क्या होता है सर, बताता हूँ, सिकुड़ना फैलना बताता हूँ, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, एक होता है राइट ऑरिकल, दूसरा होता है लेफ्ट ऑरिकल, फिर था राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होते हैं। इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहां से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जनित, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं ना, वो यहाँ पे क्या होते हैं, आते हैं और फिर इसको इसी के अंदर यहां से नीचे आता है, फिर इससे इधर और फिर इससे इधर होता है। अब बाद में जो ऑक्सीजनेटर होते हैं, ब्लड होते हैं, उसको शरीर के सारे भागों में क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। हार्ट एक ऐसा जगह होता है, हार्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पे क्या होता है कि वेन्स की सहायता से, वेन्स जो होती है हमारी, है ना, नसें जो होती है, उसकी सहायता से सारे शरीर से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाया जाता है, और फिर हार्ट से जो ब्लड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
यानी कि ऑक्सीजन जनित ब्लड, उसको क्या किया जाता है, आर्टरी यानी कि सिराएं जो होती है पतली पतली महीन महीन नसें, उसकी सहायता से शरीर के सारे भागों में क्या होता है भेज दिया जाता है, सिराएं और धमनियों की सहायता से। स्थलित होने का मतलब होता है क्या, जानते हैं, फैलना, ठीक है, और संकुचित होने का मतलब होता है क्या, सिकुड़ना। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हाँ एग्जैक्टली, है ना, कॉन्ट्रैक्शन मत का मतलब होता है संकुचित, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है स्थलित, मतलब खुलना, है ना। ये चलिए, हृदय में एक संकुचन तथा स्थलन को हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट कहते हैं। एक बार क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया और एक बार रिलैक्स किया। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब, ठीक है, सिकुड़ना, और रिलैक्स करना मतलब फूलना। तो एक बार जो ये चीज होती है तो वही चीज क्या कहलाता है, हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट कहलाता है। और एक सामान्य मनुष्य जो है, नॉर्मल मनुष्य जो है, उसका हृदय एक मिनट में, उसका हार्ट बीट एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, है ना। हाँ, नवजात शिशु का ज्यादा बार धड़कता है, ठीक है। अब देखिए, रुधिर दाब यानी कि इसकी बात हो रही है किसकी, ब्लड प्रेशर की, किसकी बात हो रही है, ब्लड प्रेशर की। तो जिस दाब से रुधिर, है ना, रुधिर बहनियों, रुधिर, जिस दाब से रुधिर ब्लड जो है वो कहा, ब्लड वेसल्स, वाहिनियां मतलब क्या है, वेसल्स में प्रवाहित होती है, उसे रुधिर दाब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, ठीक है, कौन होता है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, है ना, एसबीपी और डीबीपी, ठीक है, एसबीपी और डीबीपी। जो ऊपर वाला होता है ना, जो हम लोग जानते हैं, उसको कहा जाता है क्या, सिस्टोलिक रुधिर ब्लड दाब, और दूसरा कहता है डायस्टोलिक, जो कि होता है किसको, ये नीचे वाला होता है। और इसकी जो सामान्य दर होता है बीपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीपी, बीपी जो होता है, हम लोग क्या जानते हैं, बीपी जो हम लोग जिसको जानते हैं 120 वाल्ट 80, ठीक है, बीपी कितना होना चाहिए, 120 80, यही क्या है, एसबीपी और किसकी, डीबीपी के ही हम लोग बात करते हैं। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, 120 बटा 80, ठीक है, चलिए, ओके। अब देखिए, वह यंत्र जिसकी सहायता से रुधिर दाब मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, है ना, एस्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। उसको अगर देखा है तो पढ़ा जाता है एस्फिग्मोमैनोमीटर, एस्फिग्मो सिप्लो नहीं, एस्फिग्मो, एस्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, बीपी मेजर। और वही जो होता है, जो ब्लड प्रेशर 120 80, हाँ जी, नॉर्मल एकदम, ठीक है। अब देखिए कितना होता है, 120 बटा 80 होता है। अब देखिए, हृदय ध्वनिया धमनिया होगी, ये धमनिया होगी, ठीक है, धमनिया, हृदय धमनिया है वो, ठीक है, ध्वनिया नहीं है, धमनिया। देखिए, जो बताया मैंने कि मनुष्य का हृदय जो है क्या, चार प्रकार की धमनियों, चैम्बर जो होते हैं, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं, उससे बना होता है, ध्वनियों का निर्माण करता है, जिसमें दो प्रकार की धमनियां को हम नहीं सुन सकते, रुकिए, अच्छा ये दूसरी चीज है, ठीक, नहीं नहीं, वो जो चार चैम्बर की बात करते हैं वो नहीं है, हृदय ध्वनियों की बात हो रहा है, ठीक है। देखिए, हृदय ध्वनि कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में चार प्रकार की ध्वनियों का निर्माण होता है, इसमें दो प्रकार की ध्वनियों का क्या कर सकते हैं, हम नहीं सुन सकते हैं, और दो प्रकार की ध्वनियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एक यंत्र जिसकी सहायता से हम लोग सुनते हैं हृदय की ध्वनि से, उसको क्या कहा जाता है, स्टेथोस्कोप, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हाँ जी सही है ना, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आला, है ना, स्टेथोस्कोप कहा जाता है ना, विवरणी कपाट और द्व विवरणी कपाट के बंद होने से पहले, ठीक है, पहली प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे लब ध्वनि कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लब ध्वनि कहते हैं। और अंध चंद्राकार कपाट यानी कि सेमी सर्कुलर का पार्ट के बंद होने से दूसरी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, डब ध्वनि, लब ध्वनि और डब ध्वनि कहते हैं। दो प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, कौन कौन सी, हमारे हृदय के द्वारा, ठीक है, बेसिकली कितने प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है, चार प्रकार की, इसमें दो को हम लोग सुन सकते हैं और दो नहीं। इनमें से जब क्या कहते हैं, विवरणी का पार्ट और द्वि विवरणी का पार्ट के बंद होने से जो ध्वनि निकलती है उसको हम लोग लब ध्वनि कहते हैं, तथा अर्धचंद्राकार कपार के बंद होने से जो दूसरी प्रकार की ध्वनि निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डब ध्वनि कहते हैं। देखिए, ध्वनि धमनी और सीरा में अंतर की बात हो रही है, धमनी और सीरा यानी कि वेन्स और आर्टरीज, है ना, वेन्स और आर्टरीज, वेन और आर्टरी की बात हो रही है। तो देखिए, वेन कहते हैं कि रुधिर को हृदय से
आगे के हृदय के बाकी अंगों में। यह रुधिर को क्या करता है, यानी कि रुधिर मतलब ब्लड को, ठीक है, धमनी और शिरा। यह रुधिर को अंगों से कहां तक ले जाता है, हृदय तक ले जाता है, ठीक है। यह शुद्ध रुधिर का प्रवाह करता है और यह क्या करता है, अशुद्ध रुधिर का प्रवाह करता है, ठीक है। इसकी दीवारें मोटी होती है और इसकी दीवारें क्या होती है, पतली होती है। इसमें रुधिर दाब उच्च होता है, इसमें रुधिर दाब क्या होता है, निम्न होता है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते और इसमें क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। कपाट मतलब क्या होता है, ब्लॉकेज। कपाट का मतलब होता है कि वैक्यूल, अंग्रेजी में कहा जाता है ना, है ना, वैक्यूल, जो क्या करेंगे, जाने आने से रोकते हैं चीजों को, उसको कपाट कहा जाता है, ठीक है, कपाट। चलिए, धमनी और शिरा की बात हो रही है ना, धमनी और शिरा के अंतर हो रही है। धमनी क्या है, कह रहा है कि यह रुधिर को हृदय से आगे, इसमें इससे भी एक सवाल पूछे हुआ था जब हम लोग कर रहे थे, तो ठीक है, यह क्या करता है, रुधिर को हृदय से बाकी अंगों में ले जाता है, जबकि यह कहता है रुधिर को अंगों से हृदय तक लाता है, ठीक है। यह शुद्ध रुधिर का प्रवाह करता है या अशुद्ध रुधिर बनाता है। इसकी दीवारें मोटी होती है, इसकी दीवारें क्या होती है, पतली होती है। इसमें रुधिर दाब उच्च होता है, जिसकी दीवारें मोटी होती है। इसमें रुधिर दाब निम्न होता है, इसमें कपाट नहीं पाए जाते, इसमें कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, बात करते हैं लासिका की, यानी कि लिम्फ की, ठीक है। ये किस चीज से बनी होती है, तो लासिका जो बनी होती है आपको WBC, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से। लासिका का जो मुख्य कार्य होता है वो रुधिर का निर्माण करना है। देखिए, अब बात होती है किसकी, हार्ट अटैक की, ठीक है। हार्ट अटैक का केस देखिए, अगर हम लोग बात करें हार्ट अटैक की, तो अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले का जो होता है हार्ट अटैक, उसमें अलग अलग तरह का एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है वो कार्य करता है। एक ब्लड ग्रुप, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, उनके हार्ट अटैक केस में एंटीजन जो होता है ए होता है, और एंटीबॉडी भी क्या होता है, जो उसको ठीक करता है वो भी क्या होता है ना, ए ही होता है। बी वाले में बी और बी ही होते हैं, ए बी वाले में ए बी होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं, है ना। और ओ वाले जो होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, वो ए बी लेते हैं। इसमें से हम लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। ये सभी को डोनेट कर सकता है, सारा का सारा ब्लड ग्रुप ले सकता है। और जो ए बी होता है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यानी कि सबसे ले सकता है। अगर हाँ, ये एक चीज और, जो ए वाला है वो किसको किसको दे सकता है, तो समझिए, एक तो ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए निगेटिव वाले को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ए बी निगेटिव वाले को दे सकता है। बी वाला किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव को, बी निगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी निगेटिव को, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। चलिए, आप कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से विषैले पदार्थ अमोनिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, तथा वे अंग जो इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग।
एक्जर्टरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं हमारे शरीर को, जिसको निकाला जाता है वह क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों को तीन भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं अमीनोटोलिक, जो कि अमोनिया यानी कि कौन होते हैं? मछलियां, समुद्री उभयचर। दूसरा होता है यूरिथोटिलिक और तीसरा होता है यूरिकोटिलिक, है ना। इसमें जो उत्सर्जी भाग पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? अमोनिया। इसमें जो होता है यूरिया, और तीसरे वाले में जो होते हैं उत्सर्जी पार्ट वो क्या होते हैं? तो वो होता है यूरिक अम्ल, जो कि निकाला जाता है, ठीक है। जो वेस्ट, देखिए इसमें जो उत्सर्जी पार्ट है वो अमोनिया है जिसको निकालना है, इसमें यूरिया है, और इसमें क्या है? यूरिक अम्ल है ना, यूरिक एसिड है, ठीक है। हम लोग यूरिया यूरिनेशन करते हैं, मानव जो होते हैं वो क्या करते हैं? यूरिनेशन करते हैं, ठीक है, मतलब यूरिन को छोड़ते हैं जो हम लोग, ठीक है, यूरिनेशन का कार्य करते हैं यूरिया। जो मछलियां होती है, समुद्री उभयचर होते हैं, वो क्या छोड़ते हैं? अमोनिया। पंछी और कीट क्या करते हैं? यूरिक एसिड, है ना। मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र देखिए, तो मनुष्य के कौन कौन से उत्सर्जी तंत्र है? तो मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र है आपको ब्रिक, सबसे पहले किडनी, उसके बाद मूत्र वाहिनी यूरेटा, मूत्राशय यूरिनरी ब्लडर, और मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा, ठीक है। ब्रिक की संख्या कितनी होती है? दो। किडनियों मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर की संख्या कितनी होती है? दो, है ना। मूत्राशय यूरिनरी ब्लडर कितना है? एक, और यूरेथ्रा कितना है? एक। टोटल कितने हो गए? छह, ठीक है, छह होता है। ब्रिक के दो कार्य होते हैं, है ना, क्या कहता है? पूर्ण संयंत्रित करना यानी कि अल्ट्रा फिल्टरेशन, क्या करना? जो वो काम करते हैं किसको? फिल्टर करने को, ठीक है, फिल्टरेशन को, शुद्ध करने का काम करते हैं ब्लड को, ब्लड को फिल्टर। और क्या कहते हैं? पुनरा श्वसन, और उसके बाद फिल्टरेशन के बाद फिर क्या करना है? एब्जॉर्प्शन का भी काम करना है, ठीक है, दो तरह से काम करते हैं। ये फिर जीभ दरब आ गया। अच्छा, ब्रिक नहीं, खत्म नहीं हुआ, जीप प्लाज में कुछ फिर गलती आ गई। अच्छा, ये वाला फिर इसको ना, इसको करना पड़ेगा, इसमें फिर दूसरा दे दिया है। ये देखिए, उसको कर देंगे फिर से, उत्सर्जन उत्सर्जी तंत्र वाले का ना बाद में करेंगे फिर हम लोग। अब देखिए, बात करते हैं प्रजनन तंत्र की। प्रजनन तंत्र थोड़ा समझते हैं। सभी जीव जंतु अपनी मृत्यु से पहले अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, वह प्रक्रिया प्रजनन कराती है। वे अंग जो प्रजनन की प्रक्रिया में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, प्रजनन अंग कहलाते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है लैंगिक अंग और दूसरा होता है अलैंगिक, है ना, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वो होते हैं जिसमें क्या होता है, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन प्रजनन की वह प्रक्रिया जो उच्च कोटि के जंतुओं एवं वनस्पतियों में पाई जाती है। इस प्रकार के प्रजनन विधि में नर और मादा युग्मक आपस में संयोजित होकर संतान का निर्माण करते हैं। इसमें कह रहा है कि इस प्रकार के उत्पन्न संतान माता पिता के समान होते हैं तथा साथ ही साथ कुछ न कुछ भिन्नता भी मिलती होती है, ना। अलैंगिक जनन प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार में उत्पन्न संतान 100% अपने जनन जनक के समान, मतलब जिससे उनका जन्म हुआ है उसी तरीके के वो दिखते हैं, इसलिए ऐसे संतान को क्लोन कहा जाता है। उदाहरण, निम्न कोटि के जीव अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, वनस्पति, नीले हरित शैवाल, जीवाणु आदि सब एक ही तरह के दिखेंगे, जिससे पैदा होंगे उसी की तरह दिखेंगे, भिन्नता नहीं होती है। पुरुषों का प्रमुख जनन अंग है वृषण, टेस्टाइल होता है, जिसका प्रमुख कार्य शुक्राणुओं का निर्माण का था, और तथा नर हार्मोन यानी एंड्रोजन का क्या करना है? निर्माण करना है। वृषण शरीर के बाहर वृषण कोष में होता है, जबकि शुक्राणु का निर्माण शरीर में 3 से 4 डिग्री, है ना, से डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर होता है, ठीक है, से कम ताप पर होता है। अब कह रहा है कि मनुष्य का प्रत्येक वृषण 150 मिलियन, है ना, शुक्रवाहिनी नलिकाओं से मिलकर बना होता है। यह दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, धर्म कोशिकाएं और है क्या, है ना, ऊपर उपंत राली कोशिकाएं, जिसको कहता है इंटर स्टेशियल, और इसको कहता है स्पर्मेटोमैटोमिक, है ना, सेल नर। और यही जो होता है उपरन तारील कोशिका, यही क्या करती है? नर हार्मोन का निर्माण करती है। मनुष्य में जो मादा में जो होती है वो अंडाशय होती है। अंडाशय प्रमुख मादा जननांग है, जिसका प्रमुख कार्य प्रत्येक माह एक अंडाणु का क्या करना है? निर्माण करना है, तथा मादा हार्मोन का एस्ट्रोजेन का क्या करना है? निर्माण करना है। मादा में निषेचन की क्रिया
फैलोपियन ट्यूब किसमें होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। किसमें होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, देखिए फैलोपियन ट्यूब में होती है। होता क्या है थोड़ा सा इसी में, जब ये समझे तो इसको थोड़ा प्लांट में भी समझा देते हैं। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में एक होता है पराग, है ना, कण। ये कहां पहुंचते हैं? पराग कण जब एक से लेके कहां पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पे। कहां पे पहुंचते हैं? है ना, वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। तो उसमें क्या होती है, प्लांट की मैं बात करते हैं। प्लांट में जो होता है प्रजनन रिप्रोडक्शन, वो कैसे होता है? तो दो प्रकार से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है ना क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है एक ही पुष्प के दो भाग, पुरुष जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही पुष्प के होंगे। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पराग कोश पराग कण है वो क्या हो गए, वो दूसरे पुष्प के आ गए, है ना, दूसरे पुष्प के आ गए। ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये कैसे भी आ सकते हैं, किसी जीव जंतु के सहारे, है ना, भौरे के सहारे, किसी प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आते हैं जब ये एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, तो वर्तिकाग्र जो होती है इसमें क्या होता है, जाता है, इसमें एक होता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है ओभरी, ओभरी में कई सारे बीजांड होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड, जो कि बीज का निर्माण करते हैं। देखिए ना, ओभरी में हर महीने एक, है ना, ओभरी में क्या होते हैं, कई सारे बीजांड होते हैं जो कि क्या करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। यहाँ पराग कण से जो पराग निकलती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो जब पहुंचती है कहां पे, जो नर युग्मज जो है, युग्मज पुष्प का, वो मादा युग्मज से मिलती है। ठीक है, कहां पे? बीजांड में। कहां पे मिलते हैं? बीजांड, बीजांड में। और वहीं पे क्या होता है, फिर अंडे निषेचित होने लगता है। वहीं से क्या होता है, अंडा निषेचित होता है और फिर वो क्या होता है, फिर नया एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कहिए या क्यों कहे, प्लांट का निर्माण होता है। कैसे होते हैं? तो दो प्रकार से होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन एक ही, है ना, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जब अलग अलग प्लांट के फूल से क्या करते हैं, एक दूसरे से निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है ना, इसको रहने देते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, है ना, वही ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां रहने देते, क्योंकि देखिए खींचने को तो बहुत खींचे हैं, इसको जब तक नहीं पढ़िएगा कुछ समझ में नहीं आना है। इसको जाके खुद से नहीं पढ़िएगा आप लोग, कुछ समझ में नहीं आना है। तो इसलिए एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि खुद से बैठ के एक दो बार जरूर पढ़े। ठीक है, कल इसको खत्म कर देंगे, कल केमिस्ट्री भी थोड़ा पढ़ाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी को खत्म करेंगे, कल केमिस्ट्री में एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ाएंगे, अम्ल क्षार और लवण पढ़ाएंगे। ठीक है, कल केमिस्ट्री में अम्ल क्षार और लवण कराएंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इसको दो तीन पेज बचा हुआ है, इसके बाद कल कराएंगे अम्ल क्षार लवण। ठीक है, किसका, इसका, ठीक है, एक बार कहता हूँ कि मैम को एक बार फिर से ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, हाँ, कल कल तो गया है, ग्रुप में गया है, देखिए देखिए ग्रुप में गया है कल ही, हाँ ठीक है, कल गया तो है ग्रुप में। आप लोग ऑनलाइन वाले हैं क्या? चंद्रा जी कल आया है, चंद्रा जी और अर्पणा जी, बायोलॉजी का गया तो होगा, तीनों गया है कल, नहीं आया है। कौन से ब्रांच, कौन से है, ऑनलाइन से क्या है क्या आप ना, आप लोग चलिए ठीक है, तो ऑनलाइन वाले को करते हैं, हो सकता है उस ग्रुप में नहीं है। ठीक है, ओके ओके, ठीक ओके, चलिए इसको भिजवाते हैं, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ ठीक है, आज करवाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसको, लेकिन एक बार खुद से पढ़िएगा आप लोग। ओके चलिए, धन्यवाद। बाय बाय।